गाइस तो जल्दी से अब इन्हें मारना शुरू करते। भाई फायरिंग शुरू हो गई, उन्हें पता चल गया मैं यहाँ पे आ गया। ओ भाई जल्दी से मैं मारना शुरू कर। ए वो सब गाइस के सब लोग, मेरा नाम है माइकल और आप देख रहे हो GTA 5 गेम प्ले वीडियो। तो पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा था पूरी गैंग लॉस सैंटोस की, कौन सी वो गैंग थी मुझे पता नहीं, वो गैंग मेरे पीछे पड़ गई थी और मैं जब घर गया तो मेरे पीछे आई, तो उन बंदों को मार कितना भी मार वो ख़त्म ही होने को मारने, एक बार मेरी गोलियां ख़त्म हो जाएगी, पर वो बंदे आए ही जा रहे थे। और वैसे ही मैं लॉस सैंटोस से सीधा अपने एक गाड़ी को लेकर सीधा ड्राइवर के गांव में आ गया और यहाँ पे ड्राइवर के ऑफिस में मैं छुप गया और ड्राइवर से मेरी बात हो गई और लेस्टर के साथ भी मेरी बात हो गई। लेस्टर को मैंने सब कुछ बता दिया कि गैंग ने मेरे साथ मेरे पीछे कैसे पड़ गई थी और मैंने कितना मारा उन्हें, तो फिर भी वो ख़त्म नहीं हुई। और हमारे जो फैमिली को किडनैप किया है उस बंदे को हमने सुबह सुबह फ़ोन किया था, उसने कहा कि तुमने हमारे बॉस को मारने की कोशिश की थी। और लेस्टर ने कहा कि फ्रैंकलिन को मैंने उनके बॉस को ही मारने को कहा था क्योंकि वो हमें बहुत दिक्कत दे रहे थे, उसका नाम अंडर वाटर माफिया। तो उसका वो चेला बता रहा है कि हमारे बॉस को तुमने मारने की कोशिश करी थी, इसलिए हम तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और लेस्टर के साथ मेरी पूरी बात हो गई। लेस्टर यहाँ पे पूरा प्लान बना रहा है, देख रहा है वो लॉस सैंटोस के सारे CCTV हैक कर रहा है, कहीं में हमारी फैमिली या फ्रैंकलिन कोई तो दिख जाए। वो पूरा हैक कर रहा है, देख रहा है कि कहाँ जितने भी स्टोर है लॉस सैंटोस में सबके वो हैक कर रहे हैं। और अभी ड्राइवर भी आने वाला है यहाँ से, उससे भी मैं बात करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे ड्राइवर आ गया, उसे सब कुछ बता देता हूँ। तो गाइस ड्राइवर बहुत गुस्से में, उसे मैंने सब कुछ बता दिया है तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। ओ भाई लेस्टर क्यों भाग के आया बाहर? तो चलते बात करते लेस्टर के साथ, क्या कह रहा है वो देखते। तो गाइस एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है। लेस्टर ने हमें कुछ वीडियोस दिए हैं, हमें जाके वो देखने, उसमें हमारी शायद फैमिली दिख रही है, ट्रेसी उस गाड़ी में दिख रही है। पहले वो वीडियो देखते और देखते क्या है उसमें, उस CCTV के रिकॉर्डिंग में। तो मेरे मोबाइल ओपन किया, लेस्टर ने हमारी ये स्लो मोशन में कर दिया, वो एक ट्रेसी दिख रही है रेंज रोवर, ये एक वाइल्ड ट्रक जा रहा है, ये बारस गैंग है शायद। वो देखो वो यू टूल, ये शॉप मुझे पता है, हाईवे पे ही है और यहाँ से इन लोगों ने राइट टर्न मारा है। हाँ यही है पूरी खबर, इन लोगों ने जो राइट टर्न मारा उसके आगे कोई शॉप ही नहीं है। तो लेस्टर ने वहाँ पे कोई CCTV मिले ही नहीं लेस्टर को, तो लेस्टर ने कहा जाके तुम्हें वही हाईवे पे देखना पड़ेगा कि आगे कहाँ पर हो सकते हैं तुम्हारी फैमिली। तो हमारी फैमिली को वो लॉस सैंटोस से बाहर लेके आए ये ज़रूर है। तो गाइज ये लेस्टर के रेंज रोवर से हम सीधा अब उस लोकेशन पे जाने वाले हैं पहले, और लेस्टर ने कहा है कि वहाँ पे जाके तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, पर हमारे साथ ड्राइवर है तो अच्छी बात है, उसे पता होगी लोकेशन कहाँ पर है और बंदों को कहाँ पर किडनैप करके रख सकते, ये सब कुछ ड्राइवर को पता होगा। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को हाईवे से भगाते हुए उस लोकेशन पर पहुँचेंगे। अभी अभी तो सस्ते से रोड है ये, तो जल्दी से हाईवे पर पहुँचते हैं यहाँ पे। ये लेस्टर कुछ अलग टाइप का ही बंदा है। अरे भाई थोड़े दिन पहले उसके वेयर हाउस में इतनी सारी गाड़ियाँ थी और अब रेंज रोवर, हर दिन इसके पास नई गाड़ी लाने के पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे पास सादा $1,00,000 भी नहीं है, इसके पास हर दिन एक गाड़ी आ जाती है। पर लेस्टर तगड़ा बंदा है, हमारा जो अच्छा भी दोस्त है। तो जल्दी से हाईवे पर पहुँचते और देखते। ऑल राइट गाइज मैं हाईवे पर पहुँच गई, और आपने जो CCTV देखे थे फुटेजेस उसमें ये येलो वाला हट दिख रहा था हमें, ये बॉल जैसे हो, और वहाँ से वो हाईवे, ये शायद वो सामने ये पाइपलाइन सारी, ये हाईवे से राइट टर्न मार के वहाँ से गए थे शायद, यहाँ पे देखते खड़े रह के पहले। हाँ यही हाईवे से आए थे शायद, और CCTV फुटेज में ये यहाँ टर्न मार रहे थे और रेलवे ट्रैक दिख रहा था हमें, और ये यही लोकेशन है। और ड्राइवर से भी मेरी बात हो गई है, ड्राइवर बोल रहा है कि यहाँ पर एक फार्म हाउस है, ज़्यादातर वो बंद ही रहता है, वहाँ पर गुंडे मवाली बहुत होते हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं हम कि वहाँ पर तुम्हारे फैमिली को किडनैप किया। तो ड्राइवर ने मुझे लोकेशन दे दिया, तो जल्दी से अपनी इस गाड़ी को भगाते, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं इस रेंज रोवर के साथ, तो जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर। ऑल राइट गाइज उस फार्म हाउस पर आ गए, और ये वैसे ही कुछ इलाका लग रहा है गुंडों वाला, रेंज चाहिए शायद कोई, तो जल्दी से आगे बढ़ते। ये देखो गुंडे मवालियों जैसा एरिया लग तो रहा है क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पे, ज़्यादा बंदे भी दिख नहीं रहे। सामने रेंज में कोई तो दिख रहा है, हमने गन साथ में ले लिया ड्राइवर और मैंने। वो देखो वहाँ पे बालास गैंग दिख रही है, ड्राइवर का शक सही निकला। तो जल्दी से अपना स्कोप निकलते और देखता हूँ कहाँ पर है बंदे। वो रहे गाइज
तो जल्दी से अब इन्हें मारना शुरू करते हैं। भाई फायरिंग शुरू हो गई, उन्हें पता चल गया मैं यहाँ पे आ गया। ओ भाई जल्दी से मैं मारना शुरू करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने आर्मर पहन लिया। ये देखो छत पे चढ़ के बैठे। ओ भाई इतने सारे बंदे, जल्दी से बॉम्ब डालता हूँ, इन्हें मारने को शुरू करता हूँ। बॉम्ब डाले, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे और बंदे आ रहे। ओ भाई इतने सारे बंदे यहाँ पे, जल्दी से रिलोड करता हूँ। भाई आर्मर अच्छा है हमारा, पर फिर भी वो कितनी देर साथ देगा हमारा, इतने सारे बंदे। तो जल्दी से रोल करके यहाँ पे रिलोड भी कर लिया मैंने गन। यहाँ पे अभी जल्दी से इनकी खोपड़ी फोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे रिलोड भाई, जितने भी बंदे इन्हें मारते। यहाँ पर एक बंदा, यहाँ पे एक कवर ले रहा है ये सामने। मुझे क्यों मार रहे भाई, ये भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है ये, हट, मुझे मार रहे है। मेरी फैमिली को इन लोगों ने किडनैप किया। यहाँ पर रहिए, यहाँ पर इतनी सारी सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पर ही मेरी फैमिली और फ्रैंकिन को किडनैप करके रखा होगा। अब यहाँ पे देखता हूँ और कौन बचा है, और कोई दिख तो नहीं। यहाँ पर है, ये गाड़ी से कहाँ भाग रहा है रे भाई, इसे भी मार दिया। और कौन है यहाँ पे, जैसे धीरे धीरे अपने घर में घुसते। ओ भाई अपना नहीं, उन गुंडों के घर में घुसने शुरू करते हो। यहाँ पे भाग भाग के आ रहे भाई, ये इतने सारे बंदों को मार दिया मैंने, फिर भी आ रहे, और कहाँ पे है। ओ भाई यहाँ से कोई तो मार रहा है, जल्दी से यहाँ पे कवर लेते हो भाई, भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मेरी फैमिली कहाँ पर है देखता हूँ। ये बहुत बड़ा रेंच है शायद, यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इस रूम में है क्या, नहीं इस भी नहीं है। तो यहाँ पे इस रूम में भी नहीं है। कैसा घटिया सा घर है ये, क्या बोलेंगे अभी। यहाँ पे यहाँ पर ही छुपाए रखे होगा, क्योंकि ये ज़रा गुंड। ओ भाई फ्रैंकलिन, ओ भाई जल्दी से इसे उठाते। ओ भाई फ्रैंकलिन से मेरी बात हो गई है। फ्रैंकलिन ने कहा है तुम्हारे फैमिली को यहाँ पर ही कहीं तो बेसमेंट में छुपा हुआ है, तो देखते हैं हमारी फैमिली कहाँ पर है। यहाँ पे बाहर जाके मैं पहले जंप मार के सीधा बेसमेंट में जाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ से घूम के मैं नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ से बाजू वाला गेट है उससे चलूँगा, और देखते हैं कि कौन से बेसमेंट में। फ्रैंकलिन को भी इन लोगों ने कुछ दवाइयाँ दे दी थी और बेहोश कर दिया, तो बॉम्ब डाल के इन्हें उड़ा देता हूँ। भाई जलने दो इनका घर, पूरा जलने दो, ब्लास्ट कर दूंगा इनका घर। ओ भाई जिमी, ट्रेसी, अमेंडा आ गए ये भाग के बेसमेंट से आ गए। तो जल्दी से, ओ भाई जिमी देखो कितना गुस्से में, मार उसे जिमी, इसे भी मार, मार जल्दी से। जिमी बहुत गुस्से में, ये देखो सबको मारने, क्योंकि इन लोगों ने किडनैप करके रखा था। ओ भाई कितना और परेशान भी किया होता है, कितना मार। ऑल राइट गाइज, मैं हमारी फैमिली के साथ और फ्रैंकलिन के साथ बाहर आ गया हुआ, ड्राइवर भी हमारे साथ है। तो मैं और मेरी फैमिली इस रेंज रोवर में जाने वाले हैं लेस्टर की, और ड्राइवर ने कहा कि मैं फ्रैंकलिन को लेके आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो भाई यहाँ से रास्ता है, तो जल्दी से चलते और ड्राइवर फ्रैंकलिन के साथ आ जाएगा। मुझे इतने कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रैंकलिन के साथ ड्राइवर है, और ड्राइवर के होते हुए फ्रैंकलिन को हाथ भी लगाना उसके गाँव में इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से यू टर्न नहीं, यहाँ से ऊपर से रास्ता है, यहाँ से सीधा ही चलते हम ड्राइवर के घर पे पहुँच जाएंगे। और ड्राइवर ने कहा कि तुम यहाँ पर ही रुको, क्योंकि लॉस सैंटोस में अभी मामला इतना शांत नहीं हुआ होगा, क्योंकि गैंग मेंबर्स अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तो जल्दी से इस गाड़ी को यहाँ पे भगाना शुरू करते। तो गाइज फाइनली हमने अपनी फैमिली को बचा लिया, और इस गाड़ी को हम भगाना शुरू करते। भाई अब इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, पहले मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि फैमिली किडनैप हुई थी। अब इस गाड़ी का फुल स्पीड टेस्ट हम करेंगे, और क्या तगड़ी गाड़ी है लेस्टर की बात करता हूँ, और मेरे लिए रख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। बुगाटी डियो तो ब्लास्ट कर दिए, जब तक मैं लॉस सैंटोस नहीं जाता तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो जल्दी से ड्राइवर के घर पे पहुँचते। तो ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैं सैंडी शॉरस के ड्राइवर के घर में आ गया हूँ। यहाँ पे सीधा चलते ही वो आपको हट जैसा दिख रहा है उसमें ही ड्राइवर रहता है। ये देखो, ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है वहाँ पर ही ड्राइवर रहता है। वो यहाँ पे मैं अभी रुकने वाला हूँ, मेरी पूरी फैमिली भी यहाँ रुकने वाली है। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद हम एक अच्छा घर ले लेंगे यहाँ पे रेंट पे, या कुछ तो देख लेंगे। लेस्टर से भी बात कर लूँगा बाद में, और उसे पूरा सब कुछ बता दूंगा कि हमें उन गैंग मेंबर से कुछ ना कुछ करके तो बदला ज़रूर लेना होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही मज़ेदार गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए।